नीना, पापा, मम्मी, छोटा भाई, चार लोग कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे। दे वर गोइंग टू दिल्ली। हेलो नमस्कार, मैं हूँ शेषराज और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास थ्री की जो इंग्लिश बुक है मेरी गोल्ड, उसमें यूनिट नंबर टू और चैप्टर का नाम है नीना एंड द बेबी स्पैरोज। यानी नीना एक लड़की का नाम है और कुछ चिड़ियाँ हैं, स्पैरोज हैं, उनके बच्चे हैं। तो अब पिक्चर आप देख रहे हैं, ये जो लेडी खड़ी जो महिला है ये नीना की मम्मा है और छोटी सी जो लड़की है इसका नाम है नीना। और ये दोनों आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कहाँ खड़े हैं, दुकान में खड़े हैं, शॉप में खड़े हैं, जो कपड़ों की दुकान है वहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। हिंदी में भी आपको बताएंगे, इंग्लिश में भी हम रीड करेंगे इसको। ओके, सो लेट्स कम। नीना एंड द बेबी स्पैरोज। ठीक है, नीना एक लड़की का नाम है और स्पैरोज चिड़िया है, उसके बच्चे हैं। ये इनके बारे में एक कहानी है छोटी सी। There was great joy in Nina's house. नीना के घर में सारे लोग खुश थे, खुशी का माहौल था। क्यों खुश थे? Nina's aunt was getting married. नीना की जो आंटी थी उनकी शादी होने वाली थी, इसलिए सारे लोग बहुत खुश थे। Nina, her father, mother and little brother were all going to Delhi for a wedding. नीना, उसके पापा, मम्मा, छोटा भाई, सारे लोग दिल्ली जा रहे थे शादी में अटेंड होने के लिए। एवरीवन वाज हैप्पी एक्सेप्ट नीना। और नीना के अलावा सारे लोग खुश थे लेकिन नीना खुश नहीं थी। क्यों खुश नहीं थी आपको बाद में पता चल जाएगा। हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय ए न्यू ड्रेस। नीना की मम्मा नीना को बाज़ार में ले गई एक नई ड्रेस दिलवाने के लिए। वॉट कलर वुड यू लाइक, मदर आस्क्ड। मदर ने पूछा, आप कौन सा कलर पसंद करोगी बच्ची? I don't want a new dress, mother, said Nina. नीना ने कहा, मुझे नई ड्रेस बिल्कुल नहीं चाहिए मम्मा। सलवार कमीज देन, तो क्या सलवार कमीज चाहिए? नीना शुक हर हैंड। नीना ने अपना सर हिलाया कि मुझे नहीं चाहिए। What about those lovely white shoes you saw last week? जो आपने लास्ट वीक में जो वाइट वाले जूते देखे थे उनके बारे में क्या ख्याल है, लेना चाहोगी? I don't want those either, thank you, mother. उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए मम्मा, शुक्रिया। नीनाज मदर वॉज अपसेट। नीना की मम्मा बहुत उदास हुई जब नीना ने मना कर दिया। बट सी सैड नथिंग, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। वे वापस घर आ गई और उन्होंने लंच किया। आफ्टर लंच मदर केम एंड सेट नियर नीना। लंच के बाद में नीना की मम्मा नीना के पास में आके बैठ गई। वॉट इज इट चाइल्ड, क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, आपने जो है हर चीज़ के लिए ना कर दिया, कोई भी चीज़ आपने नहीं ली, क्या प्रॉब्लम आपको? इज समथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत है आपके साथ में, कुछ गलत हुआ? आप इतनी जो है उदास क्यों लग रही हो? आप कपड़े क्यों नहीं खरीद रही थी? बाज़ार में कुछ भी नहीं खरीदा, ना जूते ना कपड़े, क्या बात है? मदर, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। नीना ने कहा, मम्मा मैं शादी में नहीं जाना चाहती। बट वाई, लेकिन क्यों, क्यों नहीं जाना चाहती शादी में? नीना सैड नथिंग, इंस्टीड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चिक्स। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। नीना ने कुछ नहीं बोला लेकिन उसकी आंखों में से जो दो बड़े से आंसू टपक गए, लुढ़क आए, उसकी गालों पे से आंसू आ गए। और मम्मा ने उसको मतलब अपनी आर्म्स में नीना को ले लिया, बाहों में ले लिया। डोंट क्राई माई पैट, सी सैड। रो मत मेरी बच्ची। वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू, आपको क्या परेशानी है, प्लीज़ मुझे बताओ। बताना चाहिए ना मम्मा पापा को अपनी जो परेशानी है, आपको वो बतानी चाहिए। तो ऐसे ही उसकी मम्मा बोल रही है। मोर टीयर्स रोल डाउन नीना सिक्स, और आंसू आ गए नीना को। मदर, सी सैड, देयर इज़ ए स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक सेल्फ इन माई रूम। मम्मा, मेरा जो कमरा है उसमें जो मेरी किताबें पड़ी हैं अलमारी जो है वहाँ पे एक चिड़िया का घोंसला है। एंड देर आर टू बेबी स्पैरोज, और वहाँ पे कौन है, दो बेबी स्पैरोज हैं, दो चिड़िया के बच्चे हैं। मम्मा ने कहा, आई सी। मम्मा ने कहा, ओह अच्छा। ऑन द बुक सेल्फ इन माई रूम,
एंड देर आर टू बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट, फिर दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फेदर्स, मम्मा उनके पंख आने वाले हैं, बच्चे हैं वो, एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री, और जो जो बड़े होते जा रहे हैं उनको ज़्यादा भूख लगती है, ओल्ड ए लॉन्ग दे क्राई चिप चिप आस्किंग फॉर फूड, हमेशा वो खाने के लिए चिप चिप करते रहते हैं, आई सी सैड मदर, मम्मा ने कहा ओ इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, अगर हम चले जाएंगे तो सारे कमरों के को हम लॉक करके जाएंगे, ठीक है, मम्मा पापा उनको खाना कैसे खिलाएंगे उनके बच्चों को, ओ नीना क्राइड मदर, मम्मा जो है ऐसे बोला उन्होंने, गिविंग हर ए बिग हग, नीना को एक बड़ा सा हक दिया, इज दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग, क्या आप इसलिए शादी में नहीं जाना चाहती, बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है, हम विंडोज़ को खुला छोड़ देंगे, ओ मदर क्या हम ऐसा कर सकते हैं, यस यस वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स, हम आपका सामान जो होगा वो सारा वहाँ से हटा देंगे, जिससे उसके मम्मा पापा अंदर आ जाएंगे और उनको आराम से दाना खिला देंगे, थिंक नीना व्हाइल यू एंजॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग द बेबी स्पैरोज विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट, आप शादी में इंजॉय करो और वो बहुत अच्छे रहेंगे, हम अगर खुला छोड़ देंगे, खिड़कियाँ खुली छोड़ देंगे, इट वॉज़ ए गुड आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया, वेन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग देर वर टू प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, जब नीना वापस आई तो वहाँ पे चिड़िया के दो बच्चे जो हैं वो आराम से अंदर उड़ रहे थे और गोलू मोलू हो गए थे दोनों बच्चे, हाँ पंख भी आ गए थे उनके, प्लम्प का मतलब है गोलू मोलू, गोल मटोल हो गए थे, न्यू वर्ड्स देखिए आप इसमें, मार्केट बाजार है, बोदर बोदरिंग मतलब परेशानी क्या आपको प्रॉब्लम, ड्रेस यानी पोशाक, अपसेट का मतलब उदास, रिमूव का मतलब हटाना, आपके मतलब सामान हटा देंगे वहाँ से, वेडिंग का मतलब शादी, लवली का मतलब बहुत प्यारे, प्लम्प का मतलब गोल मटोल, तो ये न्यू वर्ड्स हैं आपके, ये 8-9 न्यू वर्ड्स हैं, मार्केट बोदर प्रॉब्लम्स ड्रेस अपसेट रिमूव वेडिंग लवली प्लम्प, अब देखिए एक बार इसको और मैं रीड कर देता हूँ, देर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस, नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड, हिंदी में बता देता हूँ आपको मैं, नीना के घर में जो है खुशी का माहौल था, क्यों था, क्योंकि नीना की आंटी की शादी थी दिल्ली में, तो सारे लोग जाने वाले थे, उसके मम्मा पापा भाई छोटा, लेकिन नीना बहुत उदास थी, वो खुश नहीं थी, क्योंकि वो शादी में नहीं जाना चाहती थी, नीना जो है उसकी मम्मा उसको बाज़ार लेके गई कपड़े खरीदने के लिए, लेकिन नीना ने वहाँ पे कुछ नहीं खरीदा, ना जूते ना कपड़े, वापस आ गई, मम्मा ने जब लंच खा के मम्मा ने जो है उसको आराम से पूछा नीना क्या बात है, तो नीना ने पहले तो कुछ बताया नहीं, आंसू आ गए आंखों से, ये लड़की आप देख रहे हैं ये नीना है, ये उसकी मम्मा है, और ये बाज़ार में खड़ी हैं सब कपड़े जो लेने के लिए आई हैं, तो नीना ने कुछ बताया नहीं लेकिन वो रो दी घर में आके, तो मम्मा ने उसको जो है अपने आर्म्स लिए उसके हाथ रखे उनके ऊपर नीना के ऊपर और आराम से उसे पूछा, तो नीना ने बोला मम्मा मेरी जो मेरा जो रूम है वहाँ पे जो बुक सेल्फ है वहाँ पे एक चिड़िया रहती है उसका घोंसला है, ठीक है बच्चे हैं उसके, उनके पंख आएंगे, पंख आएंगे तो उनको ज़्यादा भूख लगेगी, हम जा रहे हैं दिल्ली, हम अपना घर जो है वो बंद करके जाएंगे, खिड़कियाँ विड़कियाँ सब बंद करके जाएंगे, कैसे उसके मम्मा पापा उसको आके दाना खिलाएंगे, सो दैट्स द प्रॉब्लम, इसलिए मैं उदास हूँ खुश नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ रहूँ उनको दाना खिलाऊँ, मम्मा ने कहा यही प्रॉब्लम है बस तुम्हारी, कोई बात नहीं हम क्या करेंगे खिड़कियाँ खुली छोड़ जाएंगे, बाहर से बंद करके खिड़कियाँ खुली छोड़ देंगे, मतलब गेट बंद कर देंगे ताकि उसके मम्मी मम्मा पापा चिड़ियाओं के जो मम्मा पापा हैं वो आएंगे और उनको दाना खिला देंगे, नीना ने कहा ऐसा हो सकता है मम्मा, मम्मा ने कहा क्यों नहीं हो सकता, ठीक है खुला छोड़ देंगे वो आराम से दाना खिलाते रहेंगे बच्चों को, और आपका जो सामान है वहाँ पे गंदा ना हो इसलिए उनको साइड में हटा देंगे रिमूव कर देंगे, नीना जो है बड़ी खुश होती है और वो शादी में फिर चले जाते हैं, जब वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके नीना के रूम में स्पैरो तो है ही, उसके दो बच्चे हैं, ठीक है लवली बच्चे हैं प्लम्प बच्चे हैं, गोल मटोल हो चुके हैं क्योंकि उनको दाना पानी खाने टाइम पे जो है मिलता रहा उसके मम्मी पापा देते रहे, और दोनों जो है उड़ रहे हैं, पंख भी आ गए और दोनों उड़ रहे हैं, तो नीना जो है बहुत खुश होती है, ठीक है तो ये स्टोरी है नीना एंड द बेबी स्पैरोज,
नीना एक लड़की का नाम है। बेबी स्पैरोज का मतलब चिड़िया के बच्चे हैं, स्पैरो के बच्चे हैं। तो नीना जो है कितनी काइंड है ना बर्ड्स के प्रति। हमें भी जो है काइंड रहना चाहिए बर्ड्स के प्रति, एनिमल्स के प्रति, है ना। हमें उन्हें जो है नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उन्हें टीज नहीं करना चाहिए, उनको छेड़ना नहीं चाहिए, है ना। तो हमें इस स्टोरी से यही हमें शिक्षा मिलती है कि हमें काइंड रहना चाहिए बर्ड्स के प्रति, एनिमल्स के प्रति हमें काइंड रहना चाहिए हमेशा। तो स्टोरी आपके समझ में आ गई होगी लगभग, और अब हम आपसे कुछ प्रश्न भी पूछेंगे, आपको आंसर भी बताएंगे। तो आप अगर स्टोरी समझ गए होंगे तो आंसर भी आप दे पाएंगे। बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है, प्यारी स्टोरी है, लड़की की स्टोरी है, नीना की स्टोरी है, और कुछ न्यू वर्ड्स भी हमने आपको बताए, 8-9 न्यू वर्ड्स थे। एक बार आइए पुनः देख लेते हैं। ये जो है नीना है, और जब वापस आए शादी से, दिल्ली जाके वापस आए आंटी की शादी में, तो ये दो चिड़िया के जो बच्चे थे वो उड़ रहे थे। और आप पिक्चर में क्या देख रहे हैं, खिड़की देख रहे हैं, खिड़की क्या खुली है ना, घर खिड़की खुली छोड़ के गए थे वो जब शादी में गए थे, ताकि जो स्पैरो है वो अंदर आ सके और अपने बच्चों को खाना खिला सके, ठीक है। और ये नीना है, शादी से वापस आई है, तो ये दोनों जो है बेबी स्पैरो बेबी जो है उड़ रहे हैं। नीना बहुत खुश दिखाई दे रही है, तो इस पिक्चर में ये दिख रहा है, ये शादी के बाद की पिक्चर है ना। शादी से जब वापस आए तब ये माहौल था, वहाँ पे नीना का रूम है। न्यू वर्ड्स आप देख लीजिए, मार्केट, यानी मार्केट में गए थे नीना और उसका मम्मा कपड़े दिलाने के लिए। बोदर, क्या परेशानी है आपको, नीना की मम्मा ने पूछा। प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, हम खुला छोड़ देंगे खिड़की को, उसका मम्मा ने कहा। ड्रेस, शादी में जाने के लिए नई पोशाक आप भी खरीदते हैं, और नीना को भी दिलवाने के लिए मम्मा मार्केट में लेके गई थी। अपसेट, जब नीना ने कुछ नहीं लिया तो मम्मा अपसेट थी। रिमूव, सामान हटा देंगे हम आपका, है ना। फिर वेडिंग यानी शादी। अब देखिए क्वेश्चन है कुछ, वाई वॉज देयर ग्रेट जो इन नीनाज हाउस। पहली ही लाइन है कि नीना के घर में खुशी का माहौल क्यों था, सब लोग खुश क्यों थे। मुझे पता है आप सब लोग बता सकते हैं कि क्यों खुश थे, क्यों खुश थे, क्योंकि किसकी शादी थी। शादी होती है तो खुशी होते हैं ना, पार्टीज होंगी, है ना, नई ड्रेस पहनेंगे, नाचेंगे कूदेंगे, इंजॉय करेंगे। तो यही यहाँ पे आंसर होगा कि वहाँ पे सारे लोग खुश इसलिए थे क्योंकि शादी थी आंटी की। नीना जो है चिंतित क्यों थी, वरीड क्यों थी, तो चिंता क्यों थी, क्या चिंता थी उसको, स्पैरो की चिंता थी, है ना, कि स्पैरो जो है कैसे अंदर आएगी और कैसे अपने बच्चों को दाना खिलाएगी। अब यहाँ पे एक पिक्चर स्टोरी है, ठीक है। मदर सेज वी विल लीव द विंडो ओपन, मम्मा ने कहा, मम्मा कहती है हम विंडो को ओपन छोड़ देंगे। इनको प्रॉपर ऑर्डर में हमें लगाना है, तो हम बताएंगे आपको आंसर। ये 5 पिक्चर हैं, ये स्टोरी जो है इसमें जो पिक्चर्स के माध्यम से हम बता रहे हैं, और इन कैसे आएंगे, एक सबसे पहले कौन सी पिक्चर आएगी, उसके बाद में कौन सी पिक्चर आएगी। तो दूसरे नंबर पर नीना इज़ हैप्पी अगेन, तो कितने नंबर पे आएगी। फिर नीना इज़ सैड, नीना डज नॉट वांट टू लीव द बेबी स्पैरोज अलोन, मदर आस्क्स व्हाई। तो ये कैसे सीरियल में आएंगी ये बताते हैं आपको। चलिए पहला प्रश्न है, वाई वॉज देर ग्रेट जो इन नीनाज हाउस। देर वॉज ग्रेट जो इन नीनाज हाउस बिकॉज हर आंट वॉज गेटिंग मैरिड, शादी थी। वाई वॉज नीना वरीड, नीना वॉज वरीड दैट हु वुड फीड द बेबी स्पैरोज, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, वॉट डिड द मदर सजेस्ट, मम्मा ने क्या सुझाव दिया, क्या सजेस्ट किया। मदर सजेस्टेड दैट दे वुड लीव द विंडो ओपन, खिड़कियाँ खुली छोड़ देंगे। वॉट डिड नीना फाइंड वेन सी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, शादी से वापस आए तो उन्होंने क्या पाया। तो प्लम्प लिटिल स्पैरोज जो थे गोल मटोल हो गए थे, उड़ रहे थे। हाउ डू बेबी स्पैरोज ईट, बेबी स्पैरोज कैसे खाते हैं। तो पेरेंट स्पैरोज फीड दें, वो खिलाते हैं उनको, दे जस्ट स्वेलो द फूड, वो खा जाते हैं जब वो चोंच में डालते हैं। व्हाट न्यू थिंग्स वुड यू लाइक टू वियर ए वेडिंग, शादी में आप क्या पहनना पसंद करते हैं। आई वुड लाइक टू वियर जींस एंड शर्ट, आप भी अपना लिख सकते हैं। इसमें लिखा है आई वुड लाइक टू वियर जीन्स एंड शर्ट, फ्रॉक लड़कियाँ पहन सकती हैं। आई वुड ऑल्सो लाइक टू वी अ जैकेट एंड गूगल्स, है ना। तो आपको जो मनपसंद कपड़े हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
उसके बाद में जो पिक्चर स्टोरी दिखाई थी मैंने थोड़ी देर पहले, कैसे वो सबसे पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, नीना इज सैड, ये सबसे पहले आएगा। नीना सैड थी, शादी में नहीं जाना चाहती थी। मदर आस्क वाई, मदर ने पूछा क्यों, ये सेकेंड नंबर पर। नीना डज नॉट वॉन्ट टू लीव द बेबी स्पैरोज अलोन, नीना जो बेबी स्पैरोज थे उनको घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। मदर सेज वी विल लीव द विंडो ओपन, हम जो विंडोज हैं उनको ओपन रहने देंगे, जब हम दिल्ली जाएंगे तो आराम से दाना खा लेंगे। उसके बाद में राइट डाउन सुटेबल वर्ड डिस्क्राइबिंग ईच पिक्चर, ये यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, ब्यूटीफुल, ब्लैक, रेड, हैप्पी, टॉल, फैट, तो इसमें क्या आएगा, ए डैश वूमन है ना, तो ए फैट वूमन आएगा, ए रेड रोज, लाल गुलाब, ए हैप्पी बॉय, ए ब्यूटीफुल पीकॉक, ए ब्लैक बोर्ड, ए टॉल मैन, है ना। तो सब पहले में आएगा फैट वूमन यानी थोड़ी मोटी तगड़ी महिला, लाल गुलाब, रेड रोज, ए हैप्पी बॉय एक खुश लड़का, ब्यूटीफुल पीकॉक, ब्लैक बोर्ड, टॉल मैन। ओके, ये आपका चैप्टर नीना एंड द बेबी स्पैरोज। बहुत अच्छा लगा मुझे तो, मज़ा आया इस चैप्टर को पढ़ने में, अच्छी सी स्टोरी थी, छोटी सी लड़की की स्टोरी थी, कैसे वो काइंड रहती है। ओके, थैंक यू सो मच।